जगह जगह पे संस्कार भारती कार्यशाला करा रही है। गर्मियों की छुट्टी में जब छुट्टी हो जाती है तो हर जो संस्कार भारती की जितनी इकाई है, जिला की इकाई, जगह जगह पे कार्यशालाओं का आयोजन करती है। उसका एक मकसद ये है कि वहाँ की कला की प्रतिभाओं को खोजना, उनको कलाकारों को, वो अगर अच्छी प्रतिभाएँ हैं तो उनको कला के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि हर जगह पे ये है कि अगर कोई कला अच्छी जानता है या कोई अच्छा खेलना जानता है तो उसको उसी दिशा में अगर आगे बढ़ाते हैं तो उसका एक अजय पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, सकारात्मक रिजल्ट मिलता है। ऐसे ही कला के माध्यम से हम लोग बोलते हैं कि कलाकार ख़त्म हो रहे हैं, कलाएँ ख़त्म हो रही हैं, तो इन बच्चों को देख के ये जो कार्यशालाओं में या उसमें देख के पता पड़ता है कि अभी कहीं कुछ ख़त्म नहीं हो रहा, ये तो हमारी नई पौध तैयार हो रही है। और ये सब छोटे छोटे आज छोटे छोटे कलाकार हैं, अगर इनको सही दिशा मिली तो ये बड़े कल को कलाकार होंगे और समाज का ये दिशा निर्देश करेंगे, प्रबोधन करेंगे सांस्कृतिक दृष्टि से। और जो सामाजिक समस्याएं जो पिछले भी चलती रहीं उनका भी समाधान कलाकार, कला के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से एक सकारात्मक वातावरण की तरफ चलें। इसी ध्येय के साथ में इनको एक सही प्लेटफॉर्म मिले। इनको भी है कि कला के माध्यम से हम, कला सिर्फ ये नहीं है कि कला हो गई, उससे हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हमारा कोई भविष्य नहीं है। तो इसकी ये जानकारी, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण कोपागंज है। कोपागंज में ये लगभग 20-22 साल से होता चला आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे वहाँ से आए, आज वो कहीं ना कहीं प्रोफेसर हैं, कहीं केंद्रीय विद्यालय में हैं, कहीं हैं, सब निकले हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि चित्रकला में यहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा रुचि है, सब कहीं ना कहीं लगे। तो यहाँ एक ऐसा बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग है, ये कार्यशालाएँ मैन्युफैक्चरिंग हैं, जिनसे प्रतिभाओं को जो बाहर से हमारे जो गुरु आते हैं या और लोग आते हैं, वो उनको देखते हैं कि ये बच्चा फाइन आर्ट में बहुत अच्छा जाएगा, ये संगीत में बहुत अच्छा जाएगा, ये स्कल्पचर में बहुत अच्छा जाएगा। तो इनको उस दिशा में प्रोत्साहित करना, क्योंकि उसी दिशा